आयुर्वेदा में जैसे आत्मा के लिए हम आत्मा स्वस्थ रहे इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं, शुद्ध भोजन आत्मा का भोजन है, तो शरीर को भी हम स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध आहार देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और आयुर्वेदा के अनुसार अभ्यंग ये भी एक शरीर स्वास्थ्य का भाग ही है। तो आज का जो विषय है हमारा अभ्यंग के ऊपर, तो इसी विषय को भाई जी हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग हैंड्स ऑन द समथिंग विच वी कैन लर्न एंड प्रैक्टिस एंड बिकम परफेक्ट एंड नथिंग लाइक परफेक्ट टाइम। सो द नवरात्रि एंड द फॉल सीजन इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू गेट इन टू ऑल दिस। नाउ the way my sitting arrangement is, I'll think how to do the foot massage to be able to see you. But we are going to do three body parts. So one will be the head, one will be the palms, and then the third will be the feet. Now there might be somebody who has little hard time to reach their feet and things. So I'll explain you how to make it happen. And if it's still difficult for you, there are ways you can use some extra aid, like, you tie the cotton ball to a stick or the thing, and then you can still use it. Now, one thing we didn't mention in the flyer, that is, there is a katori. It's called as kasa katori. You know, many people are aware, or the chandi, if you have silver container. Or even if you have a small golden katori or the copper, you can also use that for this rubbing. And especially Jinti. I can show you the kasa katori. Yeah, yeah, that's wonderful. So see, she has the kasa katori and it gets oxidized. So jab wo use nahi hoti hai na, to kali hoti hai. Par jab gharshan karo skin ke saath mein, तो एकदम चांदी जैसे लगती है और वो ऐसा काला काला निकलता है। तो दैट्स अ वंडरफुल कि किसी के पास है। तो अभी पहले हम तैयारी कर लेते हैं। तो तैयारी क्या करना है कि जो आपने चादर रखी है तो उसके ऊपर बैठना है, तो तेल वगैरह इधर उधर जाए तो क्लीन रहता है। और सेकंड है कि अगर अच्छे कपड़े पहने हैं तो बॉडी को कुछ कवर कर लो, टॉवेल या समथिंग, बिकॉज कितना भी हम केयरफुल रहे फिर भी थोड़ा तो तेल इधर उधर लग सकता है। तो अभ्यंग इसको है, तो अभ्यंग के बारे में कौन जानता है? जैसे उन्होंने बताया कि ये अभ्यंग बोलू कि मसाज बोलू जो भी है, बट इट उनको फायदा तो बहुत हुआ। तो कॉमन होगा, लोग पूछते हैं कि अभ्यंग और में मसाज में क्या फर्क है, दोनों में तो तेल लगता है ना? तो मसाज के भी अलग अलग तरीके होते हैं, बट अभ्यंगा में, अभ्यंगा मसाज नहीं है इन द वे। अभ्यंगा ये ऐसी सिस्टम है कि जिसमें हम हमारे शरीर मन को संतुलित करें, हम उसको जुड़े। तो अभी आप बोलेंगे कि ऐसे कैसे आप बता रहे हो? तो जैसे है कि बहुत सारे लोगों को होता है, जब वो दुकान से घर पर आते हैं तो दुकान की सोचते हैं
और जब दुकान में होते हैं तो घर की सोचते हैं, होता है कि नहीं? और आप तो बहुत सारी क्लासेस सुनती हो ये दीदी से बहुत बार, तो ये बार बार हमको याद दिलाती है और समझाती है कि मन और शरीर दोनों साथ में चले और वो अभी प्रेजेंट में रहे। तो अभ्यंगा इसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। तो जैसे अनिता जी ने बताया कि अभ्यंगा के बहुत सारे फायदे हैं, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना, और जो हमारी जो शरीर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में मर्मा पॉइंट्स। तो कभी हम उसके बारे में भी सीखेंगे, और कुछ पॉइंट्स जैसे अभी हम करेंगे तो उसमें हम लोग थोड़ा बता भी देंगे कि वो क्या होता है। और वो पॉइंट्स को होता है जैसे एक्यूप्रेशर में दबाया जाता है, ऐसे आयुर्वेद में नहीं, उससे सिर्फ संपर्क करना, ये जो डिफरेंट अलग अलग पॉइंट्स हमारे शरीर में है उससे संपर्क बनाना, और उसकी बहुत सारी विधिज होती है, तो एक ही इसमें हम पूरा सब नहीं बता पाएंगे, पर जो आप खुद अनुभव करो कि आपको, आपने मसाज भी किया होगा पहले, तो इसमें और उसमें क्या फर्क होता है, और इसके कारण मसाज किसने करना चाहिए, सब लोग कर सकते हैं। आप तो देखते हो इंडिया में तो जब बच्चे होते हैं तो बच्चे को बचपन से तेल लगाते हैं, है ना, और उसके उनकी धातु संवर्धन होती है। धातु मीन्स शरीर की जो बॉडी टिश्यू होती है वो संवर्धन, और उसको बला मीन्स उसको पुष्टि होती है, उसको बल मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो अभी जैसे हम सीनियर एज में है तो हमारी शरीर बच्चों जैसी हो जाती है, हम खाना भी एकदम बहुत बड़ा जितना खाते थे यंग एज में उतना नहीं खा पाते, हम थोड़ा थोड़ा खाते हैं और बहुत सारे सो जाते हैं तो नींद भी बहुत आती है। तो ऐसे लोगों को लिए अगर हम इसकी करें अभ्यंग की, तो इसको बोलते हैं कि रिवाइटलाइजेशन, कि जिसके साथ पुनर्जन्म, जैसे कि हमारी, जैसे सांप अपनी जो स्किन होता है वो छोड़ के नई स्किन ले लेता है और उसको वापस फुर्तीला हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई है आयुर्वेद में कि जिसके साथ हम शरीर मन को पूरा तंदुरुस्त रखें, कि भले शरीर 100 साल का क्यों ना हो बट हमारा मन तो 18 साल का रह सकता है, उसमें तो कोई बंदी नहीं है। तो अभी जो है आप अभी तक सब तैयार हो गए होंगे, तो पहली बात है कि थोड़ा जो हम ऑयल यूज करें उसके बारे में भी बताएंगे। फ्लायर में लिखा था कि जिसकी पिता की प्रकृति है वो लोग तिल का तेल यूज करें, सॉरी कोकोनट का तेल यूज करें, वाता वाले हैं उनका जो है सेसमी ऑयल तिल का तेल यूज करें, और जिनका कफा का है वो सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल यूज करें। इसका मतलब ऐसे नहीं कि वही करना है, सब लोग तिल का तेल यूज कर सकते हैं। नाउ जैसे है भाई, थोड़ा इसमें तेल की भी सिद्धि होती है, तो तेल की सिद्धि करने के लिए हम लोग उसको बॉईल करते हैं, उसमें फिर हम अलग अलग टाइप के हर्ब्स डालते हैं, मसाले डालते हैं, वो ऋतु के साथ वो बदलते हैं, और फिर उसको रख देते हैं, और फिर वो तेल ठंडा होता है तो उसको हल्का गर्म करके, जब यूज करना है तब उसको हल्का गर्म करके हम शरीर पर लगाते हैं। तो ट्रेडिशनली तो हम हाथ डाल के, जो तेल की कटोरी होगी उसमें हाथ डाल के तेल निकालते हैं, पर अगर आपको अच्छा लगता है तो स्पून से भी आप हाथ पर तेल डाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी अंगूठी हो या वो लूज हो या ऐसे हो तो आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि वो फिर शरीर पर घिसेगी नहीं कहाँ पर। अभी इसमें जो अभ्यंग का एक बात हुई, तो उसके बाद में अभ्यंग के काफी प्रकार भी होते हैं। सो शिरोभ्यंगा होता है, शिरोभ्यंगा मीन्स, शिर मीन्स हमारा माथा, हमारा हेड होता है, तो उसको अभ्यंग करना वो अलग की ट्रीटमेंट है। तो उसको 1 घंटा सिर्फ शरीर में जो है सिर्फ सिर को मसाज करना है। आप बोलोगे कि 1 घंटा कैसे होता है, फिर आप देखोगे कि समय कैसे जाता है जब हम करते हैं।
और फिर जो होता है शरीर का जो पूरा अभ्यंग होता है वो अलग होता है, और फिर सिर्फ हाथ का अभ्यंग अलग होता है, सिर्फ पैर का अभ्यंग अलग होता है, और मर्मा का अभ्यंग भी अलग होता है, सिर्फ मर्मा की पॉइंट्स करके उसको करना है। तो इसमें एक नियम सिंपल है सबको याद रखने के लिए, जब भी हम जॉइंट के ऊपर है, कोई भी जॉइंट है, तो हमको सर्कल में जाना है, ठीक है, और जब भी लंबी बात है तो उसको ऊपर नीचे जाना है। सो लेट्स प्रैक्टिस करो सब साथ में, राइट पाम से लेफ्ट शोल्डर को जस्ट रोटेट करो, और सोचो शोल्डर के बाद में, शोल्डर को बताओ कि मेरी शोल्डर, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दिन से तुमसे बात नहीं की, अगर तुम दर्द नहीं होता है तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया होता, और छोड़ दो 2 मिनट इसको। तो अभी कंपेयर करो ये राइट वाली और लेफ्ट वाली, तो मैंने राइट को जस्ट सर्कुलर जेंटली हल्का सा टच किया और इसको नहीं किया, तो अभी आपको कोई फर्क लगता है? दोनों इसमें थोड़ा कुछ फर्क लगता है? अच्छा लगता है, दीदी रूपाली बता रही है कि लग रहा है, अच्छा है। तो अभी फिर इसको दूसरी तरफ भी ले चलते हैं। तो अगर मैंने 5 बार इधर घुमाया है तो इधर भी 5 बार घुमाना है, ठीक है। और आप बताइए उसको, शोल्डर से बात करिए कि शोल्डर मेरी सहेली मित्र जो भी होगा, कोई डायरेक्शन फॉलो करनी है कि डायरेक्शन होती है तो इसके लिए यूजुअली हम लोग क्लॉकवाइज जाते हैं, बट जब हम राइट लेफ्ट करते हैं तो कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसके लिए अभी आप जैसे भी आपको ठीक लगे करिए। फिर इसमें साइड भी होती है कि अगर फीमेल बॉडी हो तो लेफ्ट साइड से शुरू करो, मेल बॉडी हो तो राइट साइड से शुरू करो, तो डिटेल अभी पहले सेशन के लिए इतना ध्यान देना जरूरी नहीं है, पहले हम सीखेंगे। तो अभी हम बैठे हैं तो थोड़ी शोल्डर को ऊपर नीचे करते हैं, तो अभी आप बताइए, मेरी तो एनर्जी बहुत ऊपर हो गई कि मेरे को पूरी बदन लाइट हो गई, कितने लोगों को हो गया? आप इमोजी बता सकते हो, थम्स अप बताइए कि हाँ मुझे भी एहसास हुआ, बहुत अच्छा, बहुत लोगों को हुआ है। सो नाउ तो इसमें अभी हम आगे जाएंगे, तो इसमें है कि तेल को हम सिद्धि करेंगे, क्योंकि तेल क्या है, इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसको भी हम पवित्र मानते हैं, क्योंकि तेल के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके मन में आता है बाबा के प्रति हो या आप जिसको मानते हैं, जो भी हो, ये मैंने हाथ में पकड़ लिया है ऑयल की बॉटल, तो मैं इसको सिर्फ पकड़ के मेरी कनेक्शन उसके साथ बना रहा हूँ कि मुझे समृद्धि दो, हेल्थ दो, जो भी है। आइडियली हम योगा में खुद के लिए कुछ नहीं मांगते हैं सब बताइए कि मुझे सर्विस के कैपेबल बनाए, कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, वो भी ठीक है, कि मैं धष्टपुष्ट रहूं तो मैं लोगों की सेवा कर सकूं। तो अभी इसको हमने देखा, अभी ये तेल है मेरे पास, जो मैंने तेल बनाया है उसमें सैंडलवुड है, चंदन, जो कि मेरी पिता की प्रवृत्ति है। अभी जब हमने ये प्रोग्राम बनाया तो मैं दीदी को बताना भूल गया कि आप ये सुगंधी चीजें भी साथ उसमें डाल सकते हो, तो अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, नहीं हो तो, पर अत्तर नहीं डालना है, अत्तर या ऐसी बातें नहीं, प्योर एरोमा थेरेपी की अगर कोई आपके पास तेल हो तो आप उसमें डाल सकते हो। इसेंशियल ऑयल्स, हाँ इसेंशियल ऑयल्स बिल्कुल डाल सकते हो, और उसमें अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी तेल डालनी है तो सिंपल है, लैवेंडर सबके पास यूजुअली होती है, या रोजमेरी वार्मिंग होती है, तो अभी फॉल है तो वार्मिंग ये टाइम अभी समय में हो जाएगी। अभी जो इंडिया या दूसरी जगह से लॉग इन करे है तो वहाँ मॉर्निंग है, सुबह है,
तो वो समय में ये रोजमेरी और लैवेंडर दोनों चल जाएगी। अभी आपने जो भी तेल आपको है आपके पास वो ले लिया है, तो आप चम्मच से लीजिए या ड्रॉप से। तो मैं ड्रॉप से, मैं 10 बूंदे मेरे हाथ पर, मैंने लेफ्ट हाथ है और ये राइट है, तो मैं 10 बूंदे डालूंगा मेरे हाथ में। और अभी हम इसको सिद्धि करेंगे, मेरे हाथ को मैं सिद्धि करूंगा जस्ट आराम से, जैसे आप रोटला बना रहे हो, बट इसमें आपके पास आटा नहीं है। बहुत प्यार से इसको, रोटले को पॉलिश करो। जब इतना पॉलिश होए कि जब मैं ये करूं तो मेरे को ऐसे रेजिस्टेंस ना हो, फ्रिक्शन ना हो, बिल्कुल मेरा हाथ तो अभी ग्लाइड हो रहा है, क्योंकि जब इससे पहले मैंने नहाया था तो ऑलरेडी मेरे शरीर पर थोड़ा तेल है नहाने के बाद। अभी आप पूछोगे कि ये कब करना है, नहाने से पहले, नहाने के बाद, तो मेरे शरीर को तो दोनों बार, तो सुबह मैं करता हूँ और नहाने के बाद वापस तेल लगा देता हूँ, पूरा अभ्यंग नहीं, तो फिर पूरा दिन मेरी स्किन रहती है, और शाम को वापस मुझे करना पड़ता है, क्योंकि हम नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन में है, तो वहाँ वाता सबके लिए डोमिनेंट होता है, पता नहीं कौन सी भी आपकी बॉडी टाइप हो। नाउ इसको हम रोटेट करेंगे, तो इसमें ये तो बहुत सारे छोटे जॉइंट्स है, तो हम इसको कवर नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको पूरा रिस्ट को खींचेंगे। और इसको जब रिस्ट है तो रिस्ट को मैं ऐसे घुमाऊंगा सर्कल में, जैसे बैंगल है ना, घुमा रहे हैं। और रिस से भी बात करो, और पता नहीं तो मेरी राइट रिस्ट में मुझे लगा थोड़ा टाइटनेस है, पर द लेफ्ट में बिल्कुल नहीं है। फिर उसका कारण है, हम लोग माउस यूज करते हैं कंप्यूटर का, तो अभी बिल्कुल जो है तेल गायब हो गया, पर हाथ अगर मैं ऐसे करूं तो तेल दिखता नहीं है, पर हाथ बिल्कुल स्मूथ जाता है। तो जिनका वाता का नेचर है, प्रकृति है, उनका तेल अभी पूरा चला गया, 10 बूंदे पता नहीं कहाँ गायब हो गई, तो हम वापस तेल डालेंगे। और डोंट बी सरप्राइज कि एक तेल, एक कप तेल भी खा जाएंगे हाथ किस किन लोगों के, और वो सही बात है, उसमें कोई बुराई नहीं। आपको पता नहीं था कि आपकी आपके हाथ इतने भूखे हैं, तो बिल्कुल पैर से उसको पिलाइए, जितना तेल हो चाहिए, बोलो कि कोई बात नहीं, तुमको जितना चाहिए हम खिलाएंगे। तो अभी इसमें जो सेंटर है पाम का, इसको हम जस्ट पकड़ के रखेंगे, कुछ दबाना नहीं है, कुछ नहीं है। और जैसे मैंने किया तो काफी एनर्जी मुझे लगती है, और मुझे वार्म्थ लगती है, हीट, तो वो पित्ता की एनर्जी है। सबको लगती है, काफी लोगों को लगती है, काफी लोग हाँ बता रहे हैं, तो हमको पता नहीं था मेरे हाथ में इतनी गर्मी है कि नहीं। अगर मैंने इतना समय गई नहीं गवाया था हाथ के ऊपर तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो अभी ये लेफ्ट साइड है, तो अभी हम राइट साइड को भी सेम इसको करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा गर्म है, इसका कारण है कि मेरे शरीर में पित्ता प्रकोप है, मीन्स ज्यादा इम्बैलेंस है, तो इसको निकालना जरूरी है। और वो नॉर्मल बात है, क्योंकि ये फॉल सीजन में हमको ये पता चलना कोई अनयूजुअल बात नहीं। तो इसको ठंडा करना है, तो कैसे ठंडा करना है, तेल है, टच है, अलग अलग तेल है, तो अगर मैं इसको रेगुलर ऑयल के अलावा कोकोनट ऑयल यूज किया या कैस्टर ऑयल यूज किया तो ठंडक होगी, होगी ना, क्योंकि इसमें फिर मसाले अगर मैंने तेल में डालने हैं तो ठंडे करने वाले कौन से घटक है, तो है उसमें तुलसी है जो नॉर्मल रखती है, मिंट है, पुदीना है, और इलायची है, बड़ी इलायची है, तो दो इलायची में भी अलग अलग होती है, ग्रीन इलायची होती है, येलो होती है, बड़ी होती है, सो उनके सब गुण अलग अलग होंगे।
पर मेरे शरीर में जब मुझे गर्मी लगती है तो मैं इसमें लवंग डालूंगा कि नहीं? नहीं नहीं अगर गर्म गर्म नहीं लगता है तो क्या मतलब है? तो फिर डाल सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी वाता की प्रकोप है अभी, तो फिर उनको ठंडा लगेगा, यहाँ आकर लगाएंगे तो उनको गर्मी नहीं लगेगी हाथ में। तो ये बात हुई, तो इसको वापस हम एक बार सोच लेंगे कि अभी बिल्कुल स्मूथ हो गए हाथ, है ना? तो इसमें अभी आप अभी ऐसे कोई लोग है कि जिनको लेफ्ट में लगा बट राइट में नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। और ऐसे क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि नाड़ीज होती है ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, और उसमें से जो राइट साइड होती है वो सन सोलर होती है, मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एंड वो रिसीविंग एनर्जी होती है। द अदर साइड वो जो होती है ठंडी होती है, लूनर होती है, मीन्स मून बेस होती है, फेमिनाइन होती है, और वो गिविंग होती है, और द बीच में सुषुम्ना होती है, वो न्यूट्रल होती है। सो वो दोनों को जोड़ती है। तो अभी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, पर इतना ही सोचेंगे कि अगर कोई हमको डिफरेंस लगे तो वो डिफरेंस क्यों है, वो हमको समझ में आना चाहिए। फिर इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है कि योगा में कुछ क्रिया होंगी, कुछ आसन होंगे, कुछ प्राणायाम होंगे कि जिसको हमने बैलेंस करना है। फिर अभी इसको हम सांस से जोड़ते हैं, सांस मीन्स हमारी सांस बहु नहीं ब्रीदिंग के ऊपर। तो पहले है कि ये उंगली को सामने रख लीजिए और सांस उसके ऊपर छोड़िए। अभी ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों? क्योंकि जब भी हम मसाज अभ्यंगा जो भी करते हैं, हम टेम्परेचर ऐसे देखते हैं उल्टे हाथ से, क्योंकि ये हाथ पे टेम्परेचर सेंसिटिविटी ठीक नहीं होती है, बट ये साइड से बिल्कुल होती है। तो मैंने सांस मेरे उंगली पर छोड़ी, इंडेक्स इस पर, और मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट में ज़्यादा जोर है, राइट में ज़्यादा जोर है, या दोनों इक्वल है। अभी अलग अलग हो सकता है। नौ दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में 1440 मिनट्स होते हैं, उसमें से हर 8 घंटा नाड़ी बदलती है। तो सुबह हम उठे तो ये लेफ्ट थी, 8 घंटे के बाद वो हुई, 8 घंटे के बाद वापस उधर गए। पर जब हम प्राणायाम करते हैं या योग साधना करते हैं, राजयोग करते हैं, उस समय नाड़ी दोनों समन होती है, समनाड़ी उसको बोलते हैं, कि दोनों नॉस्ट्रिल से इक्वल एयर आती है। और वो तीन काल, एक्चुअली 4 काल होते हैं। एक होता है ब्रह्म मुहूर्त जो सुबह होता है, दूसरा काल होता है सनराइज जब सूरज उगता है, तीसरा काल होता है जब द नून होती है, मध्याह्न इसको बोलते हैं, और जो चौथा समय जो बिल्कुल अभी सनसेट हो रहा है हमारे यहाँ कैलिफोर्निया में, तो सनसेट की समय। तो बिल्कुल अगर ये समय मैं करूँ तो बैलेंस करने में मुझे कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो अभी आप बताइए कि जब हमने शुरू किया था, हमने इतना बताया कि कासे की वाटी लो, हाथ को सिद्ध करो, तेल को सिद्ध करो, अपनी शोल्डर से बात करो, हाथ से बात करो। शारदा जी बता रही है कि जो भी हमने तो अभी शुरू भी नहीं किया है, हम जस्ट सिद्ध हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से उनकी एनर्जी लेवल उनको अच्छा लग रहा है और एनर्जी लेवल बढ़ भी गई है, फ्रेश लग रहा है, अवेकन स्टेट। तो आप समझिए कि कितना इसका अलग अलग फायदा, और हर एक लोगों को अलग अलग होगा उनकी शरीर धर्म के अनुसार जितना कंफर्टेबल हम इसको यूज करते हैं। तो ठीक है, तो अभी सब लोग तैयार है जाने के लिए? तो अभी हम वापस 10 बूंदे तेल लेंगे। सो आप भी लीजिए। अभी जिनकी कफा की प्रवृत्ति है, कभी कभी उन लोगों को इतना तेल नहीं लगेगा, तो आप थोड़ा कम लीजिए अगर आपको जरूरी नहीं है।
तो अभी सबको पता है, जस हम भूल जाएंगे कि कैसे करना है, तो रोटला बना दो बस, और बड़ा बनाना है, वो टूटना नहीं चाहिए, तो बड़े प्यार से उसको बोलो और हाथ को भी बोलो। इसमें कोई चांट्स भी यूज होते हैं, आयुर्वेदा में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टिव चांट्स नहीं है, बट जो चांट्स सबको पता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सो अभी हमारे यहाँ इवनिंग है, बट दोज जिनकी मॉर्निंग है, सो यू कैन से एनीथिंग यू लाइक टू फोकस ऑन द आर्म्स, बट कीप मूविंग, दैट मूवमेंट इज द की एस्पेक्ट। Now, before I go into the movement, we already checked the breath, we already checked the palms, and I am going to also show you how to do your pulse. So, ye haath hai, to isko just teen ungliyan yahan lagani hai. To ye jo wrist wali side hai, ungliyon ki taraf, ye ungli aayegi, to aap aise bhi isko laga sakte ho. या ऐसे भी लगा सकते हैं। सो अभी हम इसके ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे, जस्ट अभी आपको पल्स देख लीजिए। तो अगर ये जो रिस की तरफ आपको ज्यादा पल्स लगती है, तो वो वाता की एनर्जी है, मिडल में लगती है वो पित्ता की एनर्जी है, और जो शरीर की तरफ लगती है वो कफा की एनर्जी है। इतना ही हम अभी सोचेंगे, अभी दूसरे हाथ को भी हम देख लेंगे। तो अभी एक्चुअली हमारे यहाँ तो कफा की समय है, और मेरी नाड़ी तो पूरी पित्ता और थोड़ी कफा के साथ चल रही है। दैट मीन्स जो मेरी शरीर में गर्मी है, वो मेरी नाड़ी में भी मुझे दिख रही है ना। तो इम्बैलेंस हम देखेंगे कि अभ्यंगा के बाद कम हुआ कि नहीं हुआ। किसी को वाता की एनर्जी ज्यादा लगेगी, जिनको कफा की समस्या है उनको कफा की एनर्जी ज्यादा लगेगी, और कोई लोगों को स्टिल कंफ्यूजन होगा, तो वो कोई बात नहीं, हम ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचेंगे। पर बिफोर एंड आफ्टर हम इसको कंपेयर करते हैं, तो हम लोगों को भी बताते हैं कि आप बताओ, सिर्फ नहीं बताओ कि मुझे अच्छा लगा, मेरी सांस भी हैप्पी होनी चाहिए, और फिर जो है मेरी नाड़ी भी संतुलित होनी चाहिए, तो मेरा अभ्यंगा सफल हुआ। सबको राजी है कि मंजूर है कि ठीक लगता है? तो अभी इसमें जो होता है कि जो एलिमेंट्स, पंच महातत्व, पंचभूत जिसको बोलते हैं, उसका भी एक सीक्वेंस होता है, फिर हर उंगली को भी वो पंचभूत लगता है। अभी हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जाएंगे, पर जो पहला तत्व होता है पृथ, अर्थ, क्योंकि मैटर उसके साथ आता है, दिखता है, जो भी हमको दिखता है वो अर्थ एलिमेंट से आता है। अर्थ एलिमेंट के बाद में दूसरा होता है वाटर, आप जो पानी होता है। तीसरा होता है फायर, द अग्नि, और अग्नि सिर्फ दिखने वाला नहीं, हमारा डाइजेशन भी अग्नि से होता है, और अग्नि के भी उप प्रकार होते हैं, एक अग्नि नहीं होता है। जठर अग्नि जो हमारे स्टमक मेटाबॉलिक कंट्रोल करता है, बट देयर आर अदर अग्नि। तो अग्नि कभी बहुत तीक्ष्ण होता है, ज्यादा होता है, तो हमको पता है अगर अग्नि ज्यादा हो गया तो जल जाएगा, अग्नि कम हो गया तो सब बातें बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगी। और इसमें और एक बात है कि ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार ये चेंज होंगे। तो अभी जिनके यहाँ 10 के 2 के बीच का समय है, आप जहाँ से लॉग इन कर रहे हो वो पित्ता की डोमिनेंस है, तो उनको सब लक्षण पित्ता के दिखेंगे। जिनके यहाँ 2 से 6 बजाए, सुबह का हो या दोपहर का हो, उनको वाता के लक्षण दिखेंगे। जिनके पास 6 to 10, जैसे हमारे कैलिफोर्निया टाइम पर हो, या इंडिया के टाइम में भी 6 to 10 है मॉर्निंग का, उनको कफा के लक्षण दिखेंगे, ठीक है। और अगर आपको
आप भूल गए, समझ में नहीं आए तो बिल्कुल संकोच मत करना, पूछिए, क्योंकि ये इसकी फाउंडेशन है और हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल अनुभव की बात है। पर अगर हमने ये बिल्कुल शुरू में नहीं बताया तो बाद में आपको लगेगा कि ये तो है ना, तो इसको बिल्डअप करेंगे ठीक से। तो अभी मैं शांति भाई जी, हाँ जी, आप एक बार फिर रिपीट करें कि जब हमने पर्स देखी, रिस के पास वाता की है, उसके बाद कौन सी है? पिता की, जो मिडल वाली होती है पिता, और शरीर की और जो है वो कफा की। कफा की, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। वो भाई जी, ओम शांति, कैसे मालूम है कि हमारे बॉडी में पित्त है, वात है, कफ है? सो द बहुत अच्छा पूछा कि हमारे शरीर में पित्त है, वात है, कफ है, कैसे पता है? एक तो उसको क्वेश्चनेयर करते हैं हम, उसको जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो हम आपको भेज भी सकते हैं कि आप यूज करो, तो उससे एक पता चलता है। दूसरा है कि परीक्षा जो है देख के हम बता सकते हैं। तो सिंपल बात है, अगर हमको कुछ आयुर्वेद पता नहीं है ना, हमारे पास क्वेश्चनेयर है, तो हम सोचेंगे जो लीन एंड थिन होते हैं, दुबले पतले, वो लोग वाता वाले होते हैं। जो मीडियम बिल्ट होते हैं, जो दुबले भी नहीं और जाड़े भी नहीं है, वो पिता वाले होते हैं। और जिनका शरीर थोड़ा रोबस्ट होता है, हेवी होता है, वो लोग कफा वाले होते हैं। तो इसमें दो बातें हमको सोचनी है, प्रकृति एंड विकृति। तो जैसे हम पैदा हुए थे तो उसके ऊपर हमारा तो नियंत्रण नहीं है, तो अगर हम वाता पैदा हुए पर अभी हम हेवी हो गए तो कफा हमारी इम्बैलेंस है, इतना सिंपल है। तो अगर हम पैदा कफा हुए थे पर अभी वाता बन गए हैं क्योंकि मन में अशांति हो गई, तो ये सिर्फ प्रकृति, इसको काया प्रकृति, मनो प्रकृति बोलते हैं, कि शरीर में अलग और मन में अलग। तो शायद शरीर में कफा हो बट मन में वाता हो, तो शरीर में कफा होगा तो सब ब्लॉकेज हो जाएगा, अलग अलग टाइप का ट्यूमर्स होते हैं, ग्रोथ होती है। और मन में अगर वो हो गया तो स्टबननेस आता है, एंथुजियाज्म नहीं होता है। सो इस ढंग से हम समझ में आता है हम लोगों को कि इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो अभी तो हम पिता तक थे, तो पिता के बाद में आती है एयर एंड वायु, और उसके बाद में आती है इथर, स्पेस। सो ये फाइव एलिमेंट्स फाइव फिंगर्स में भी होते हैं, बट मोस्टली ये जो थंब होता है वो बहुत मुद्रा में हम इसको यूज करते हैं। और हम में और मंकी में क्या डिफरेंस है? ये ओनली ह्यूमंस कर सकता है। आप करके देखिए, चार उंगलियों को थंब को लगाना, राइट? सो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी जब मैं टच करता हूं तो आपको कोई अवेयरनेस होता है कि नहीं, कुछ कनेक्शन लगता है कि नहीं? ये हमारी टिप्स ऑफ द फिंगर्स बहुत सेंसिटिव होती है ना, तो आप टच कर रहे हो तो कुछ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कौन बता? वाइब्रेशन लगते हैं। वाइब्रेशन लगता है, बहुत अच्छा। तो ये वाइब्रेशन में ट्यून करो, क्योंकि ये सब हमको कुछ बता रहे हैं। अभी कोई हो सकता है हमारे ग्रुप में 100 लोग से ऊपर है, तो कोई जो कर रहा है तो उनको वाइब्रेशन नहीं लग रहा है, तो उनको और फोकस करना है कि जब तक हमको वाइब्रेशन लगे। योगा में हम बैठे हैं ना मुद्रा लेके ऐसे करके, तो उसका भी कुछ कारण है ना? तो अभी ये हो गई हमारी प्रिपरेशन। तो अभी हम हाथ से चलेंगे, तो ये है जॉइंट्स है ना, तो हम इसको सर्कुलर करेंगे पहले, और बिल्कुल दबाना नहीं, आराम से जो आपको एंजॉय हो जाए, ऐसे 5-6 बार करें सर्कुलर। और अभी ये ग्रिप है ना, तो इसको मैं लेके इसको जस्ट खींचना है अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द हार्ट, जस्ट हल्का सा खींचना है।
तीन बार, हम हर चीज तीन बार करेंगे, सो दैट वे सबको हो जाता है. क्योंकि पहली बार करते हैं तो मैकेनिकल होता है, दूसरी बार करते हैं तो थोड़ा अनुभव होता है, तीसरी बार करती है तो कंफर्ट हो जाता है. अभी आप बताइए, आपको थम को कुछ फर्क लगा ये और इसमें कुछ लगता है? यस, ब्यूटीफुल, इजी टू फ्लेक्स, रिलैक्स, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, सडनली ये फ्लेक्सिबल हो गया और ये स्टिल टाइट है, स्टिल टाइट है. तो अभी हम इंडेक्स फिंगर की तरफ जाते हैं, उसको भी बोलो इंडेक्स फिंगर आई लव यू. फिर वो भी खुश हो रहा है कि ऊपर से करना है और साइड से करना है, खींच रहे हैं, जस्ट खींच रहे हैं इसको. तो मैं ये एंगल से बताता हूं. सो तीन बार, तो ये उंगली भी हैप्पी हो गई. अभी जो है टाइटनेस खत्म हो गई, ब्यूटीफुल. डिपेंड्स, जैसे नाउ, जैसे वुमन के बाल जिनके ज्यादा बड़े होते हैं तो वो हफ्ते में दो बार भी कर सकते हैं. डिपेंड्स कि अगर आपको वाता की समस्या नहीं हो तो इतनी कोई मुश्किल नहीं. हमारे यहाँ हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर के साथ और ड्राइनेस, सुखापन ज्यादा आता है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वही एक अच्छा तरीका है कि अगर तुम करो तो बिल्कुल सही होता है. पर अभी मेरे भी लाइफ में ऐसे कभी होता है, कोई दिन ऐसे होता है कि उस समय नहीं कर पाते है हर रात को, पर हफ्ते में दो बार भी करो तो दैट्स गुड. इवन कुछ नहीं तो जैसे फ्राइडे रात को लगा लो जो काम करते हैं और फिर उसको सूखने दो, जैसे ना सेटल होने दो. क्योंकि तेल जो बाल को लगाते हैं तो बाल को तेल से कोई फायदा नहीं है, बाल को कोई लाइफ नहीं होती है, रूट्स को लाइफ होती है. तो स्काल्प जो होता है, स्किन जो हेड का, उसको स्काल्प बोलते हैं, तो उसको नरिश करना है. तो जितना हम उसको नरिश करेंगे तो उतना उसके रूट्स स्ट्रांग बनते हैं, जितना हम उसको मसाज करेंगे उतना उसका वर्धन होता है. जो डेड टिश्यू, मरी हुई जो त्वचा होती है वो निकल आती है. एवरी डे अराउंड 5 ग्राम कचरा शरीर से निकलता है और ब्रेन से भी है, ब्रेन से भी कचरा निकलता है. तो ब्रेन के भी कचरा निकालने के लिए मेडिटेशन बहुत यूजफुल होता है. तो अभी हम थंब पर जाएंगे. अभी सबको पता तो हो गया कि क्या करना है, तो बस तेल को पहले गरम करना होगा तब लगाना होगा, या ऐसे ही लगा सकते हैं? गरम करने से बहुत अच्छा होता है. गरम करके बॉईल करना या बस गरम करना? या बॉईल करके थोड़ा, जब पहले अगर बॉईल कर लिया है और उसमें आपने हर्ब्स वगैरह डाले, मसाले डाले, तो जो तैयार करके रखा है उसको हल्का गरम कर दो, जो थोड़ा हल्का गरम रहे जब हम मसाज कर रहे हैं. उसमें बड़ी इलायची डाल सकते हैं? या वो हर एक की, जैसे मैंने बताया कि आपकी प्रकृति, वो कौन सा ऋतु है, आप कहाँ रहती हो, उसके अनुसार वो क्या डालना है वो डिटरमिन होता है. तो उसके लिए कोई गाइडलाइंस हम आपको शेयर करेंगे, तो आप खुद के लिए उसके लिए कर सकते हो. तो अभी ये हाथ का बेसिक, बहुत बेसिक खत्म हुआ. इसमें और सारी कुछ बातें होती है, बट हम सिंपल डेली यूज के लिए. और ये रिस्क को जैसे हमने शुरू किया था, तीन बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तीन बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ब्यूटीफुल. तो अभी बताइए आपको कैसे लग रहा है? सबकी मुंह से ही पता चलता है कि हैप्पीनेस है ना, समथिंग. अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, कि इतना समय हमने इस पर हाथ पर गवाया, क्योंकि वो सिद्धि हो गई. क्योंकि हाथ हमारी मीडियम है. हाथ पर इतना क्यों समय? तो जो आयुर्वेदा में 4 हैंड मसाज होता है, मीन्स 2 लोग साथ में मसाज करते हैं, तो जब वो करते हैं तो हम उनको भी सिद्धि करने लगाते हैं कि उनकी एनर्जी भी सेम हो, कि एक जोर से कर रहा है दूसरा जोर से नहीं कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो पर्सन को असरदार नहीं होगा. तो इसीलिए अभी हमारे हाथ तैयार हो गए, हमारा मन तैयार हो गया,
जो इंडिया में अभी कोई नाश्ते की सोच रहा है या कोई यहाँ है वो डिनर की सोच रहे है, नहीं ना, अभी सब शरीर में है, ये जगह में है। और हाथ, मेरे हाथ तो बहुत वाइब्रेट हो गए, अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया तो अभी गर्म नहीं है, अभी वार्म हो गया, ठंडा नहीं हुआ पर अभी भी जैसे पहले एकदम गर्म लग रहा था इतना गर्म नहीं है, थोड़ा पित्ता कम हुआ है ना। मैं क्विकली पल्स चेक कर लेता हूँ तो अभी मेरी पल्स कफा की तरफ जा रही है, तो धीरे धीरे मेरे शरीर पित्ता को कम करके कफा को बढ़ा दिया, तो मैं दूसरी साइड भी क्विकली देख लूँ सेम थिंग, तो ये साइड में कफा ज़्यादा नॉर्मल है ये राइट साइड के अलावा, एंड देन आई अंडरस्टैंड बिकॉज पित्ता राइट साइड में ज़्यादा होती है तो दैट्स अ गुड थिंग, नॉर्मल थिंग कि माई बॉडी इज वर्किंग नाउ। अभी आप बताइए पैर की तरफ जाएं कि सर की तरफ जाएं, तो फिर पहले सर करेंगे क्योंकि वो पैर भी उतने इम्पोर्टेंट होते हैं, पर अभी तो बस इसको एक हाथ जो है राइट यहाँ माथे पर लगाओ और सेम थिंग आई कैन फील बोथ द टेम्पल्स, क्योंकि ये देखिए थंब यहाँ लगा हुआ है, ये फिंगर यहाँ लगे हैं और जो हाथ है सेंटर ऑफ द फोरहेड में लगा हुआ है, और सेम थिंग बहुत गर्म है, जैसे मेरा हाथ जल रहा था वैसे भी माथा भी गर्म है। अभी कोई लोगों को ठंडा होगा या कोई लोगों को कोई नहीं, नॉर्मली है। अभी आप यहाँ ये जो टेम्पल्स बोलते हैं यहाँ सिर्फ हाथ लगा और आग बंद करो, एनर्जी फील करो, तो आपको वहाँ टाइटनेस लगेगा कि जैसे स्क्रू है बहुत टाइट है, और उसको जो है बहुत हल्का हम घुमाएंगे रोटेशन क्लॉकवाइज, और अगर सांस के साथ भी इसको हम जोड़ पाए तो वो भी हम करेंगे। ब्रीद आउट जैसे हम करेंगे, अभी हम इसको उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सो मैंने 5 बार क्लॉकवाइज किया और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज किया, एंड देन मुझे लग रहा है कि ये टेंशन मेरे सर पर था, मुझे पता नहीं था, और ये जो हाथ है हल्के नीचे चिन तक लाना है और इसको हम छोड़ देंगे। तो अभी बताइए आपको सर में कुछ फर्क लग रहा है, कुछ ऐसे लग रहा है कुछ बोझ चला गया? हाँ, तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि बोझ हल्का हो गया, तो अभी वापस हम देखेंगे सेम जैसे किया था, एंड सरप्राइजिंगली मेरी जो गर्मी थी आधी कम हो गई, तो पिता को रिलीज हो गया। तो इसको हम थोड़ा और एनर्जाइज करेंगे, तो ये 3 उंगलियां हम लेंगे और इसको सिर्फ पहले यहाँ रखेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे, तो इसको आप फर्म प्रेशर भी दे सकती हो। और अभी मेरे समझ में आ रहा है कि मेरे फोरहेड पे भी टेंशन है, जो मुझे तो कोई सर दर्द नहीं है, तो जिनको माइग्रेन होता है या सर दर्द होता है साइनस का ये होता है, तो इसमें तो जॉइंट नहीं है, तो हम इसको सर्कल में घुमाएंगे बहुत आराम से, और अभी जो तेल है मेरे हाथ पर वो आराम से घूम रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन होगा तो वो वाता को बढ़ाता है। और फिर हम इसमें लगाएंगे टेंपल पे, और फिर हम यहाँ आएंगे और फिर हम जाएंगे टेंपल पे, तो ऐसे 2-3 बार आप करिए। एंड अभी हम थोड़ा टेंपल से ऊपर जाएंगे, हम जहाँ ऊपर गए तो थोड़ा आपके बाल को तेल लगने वाला है, तो ये जो है जस्ट कान के सामने इसको हम घुमाए, तो ये तो पेनफुल है,
किनको लग रहा है कि यहाँ दर्द है दबाने से, जोर से दबा के देखिए, थोड़ा प्रेशर लगाओ बिल्कुल ये कान के साइड में और यहाँ पर, तो कुछ लोगों को सूदिंग होगा, कुछ लोगों को पेन होगा, कुछ लोगों को टाइटनेस होगा ना। अभी ये जो कान के पीछे से मैं जाऊंगा, जस्ट जैसे फ्लैट, ये जो उंगली है इंडेक्स फिंगर, इसको मैं 3 बार करूंगा, ठीक है। तो अभी मेरे हाथ में अभी भी तेल है, स्मूथ है, तो जिनका तेल सूख गया है वो वापस तेल डालिए हाथ पर। तो अभी ये जो है, इसको जो ऊपर वाला पॉइंट है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मर्मा का पॉइंट है। अभी जो पूछ रहे थे हेयर मसाज, हेड मसाज के बारे में, तो मैंने मेरा हाथ यहाँ रखा एंड देन उसकी एनर्जी देखी, तो यहाँ कंपैरेटिवली अभी काफ़ी ठंडक है। सो दैट मीन्स ये जो मैंने किया हाथ का और जितना फेशियल, उससे मेरी पित्ता अभी स्लोली एग्रेवेट होना बंद हुआ और कम हो रहा है। तो किसी को यहाँ ठंडा होगा, किसी को जो पित्ता है उनको गर्म लगेगा, जिनका पित्ता इम्बैलेंस है, तो वो देख लिया। तो अभी ये जो है कि हम ये जो थंब है इसको ये साइनस के ऊपर रखेंगे, ये जो आईब्रो का होता है, और फिर दोनों हाथ को यहाँ रखेंगे ऐसे, तो ये शंख जैसे होता है, कॉन्च है ना। और आपको तो पता है कि शंख को हम सुनेंगे कान के पास लाकर तो समंदर की आवाज आती है। तो ये थंब साइनस के ऊपर और चिन को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए और आग बंद कर दीजिए, जस्ट फील करो। तो वापस मुझे आग के ऊपर भी गर्मी लग रही है पिता, किसी को ठंडी भी हो सकती है जिनका कफा हो या वाता हो, और ये बहुत कामिंग और सुधिंग फीलिंग है। और फिर धीरे से इसको बहुत हल्का सा टच कर दे, एकदम हल्का सा फेदर जैसे पूरे फेस को लाना है 3 बार चिन तक, टू द थ्रोट, एंड वापस हम जाएंगे इसको, इस बार ऐसे रखेंगे। तो इस पर वेट नहीं डालना है, जस्ट बिल्कुल हल्का फेदर जैसे रखा है, और ब्रीद आउट के साथ हम इसको हल्का नीचे लाएंगे, और एक बार करेंगे हाथ को थोड़ा सा रब करके यहाँ रखेंगे, और उसके बाद में बहुत धीरे से इसको हम लाइटली नीचे लाएंगे। मुझे तो बहुत काम लग रहा है, आपको बताइए लग रहा है कि नहीं, कि जैसे मुझे तो लग रहा है मैं नींद से उठा हूँ, सुबह हुई है, जैसे इतना पूरा दिन बिजी था ऐसे भी नहीं लग रहा है ना। और अभी तो हमने पूरी शुरुआत भी नहीं की, तो जैसे ये जस्ट इतना करने से इतना फायदा हुआ है ना। तो अभी हम आईब्रो को पिंच करेंगे, लाइक जेंटली इसको पकड़ना है, स्क्वीज करना है, और आप कुछ भी बोल सकते हो, ओम शांति ओम शांति, तो हमारा मन इस पर ही रहे कि जो हम क्या कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। सो 3 बार 3 बार हुआ। तो अभी हम कान पर जाएंगे, तो वापस तेल लीजिए आपके पास हाथ पर, और ये कान को ऊपर से हम सिर्फ तेल लगाएंगे, पहले अंदर कान के अंदर नहीं डाल रहे, जस्ट यहाँ लगाएंगे, एंड देन जैसे मैं लगा रहा हूँ तो जैसे मैं नीचे आऊँ तो थोड़ा पेनफुल एरिया मुझे यहाँ लग रहा है। तो जब एलर्जीज होती है, दमा है, जैसे अस्थमा है, तो
तो उसके साथ ये नॉर्मली हर पॉइंट कुछ ना कुछ बताता है, उसके चार्ट हम देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसको रिलेट कैसे करना होता है। फिर अभी लेफ्ट साइड में जाओ तो इसको सेम किया, अभी समझ में आ रहा है कि जैसे मैं ये कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रही है ना, फ्रेशनेस बढ़ी जा रहा है जितना हम कर रहे हैं। तो अभी मैं दोनों कान को साथ में करूँगा आराम से, एंड इफ यू आर हैप्पी देन यू स्माइल कि मुझे बहुत मजा आ रहा है, हमारा कान तो हम ही खींच रहे हैं, दूसरा तो कोई नहीं। तो भाई जी ये पहले के जमाने में इंडिया के स्कूल में पनिशमेंट करते थे कान पकड़ने की, तो कुछ है ना इसका ये मतलब? इसका लॉजिक है कि इसको इसको एक स्पेशलिटी टेक्निक है कि इसके साथ ब्रेन में बहुत बदलाव आता है जब भी हम कान को हाथ लगाते हैं, स्पेशली जो ऐसा क्रॉस करके और हम ऊपर नीचे करेंगे तो इसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियस योगा। देर इज ऑर्गेनाइजेशन हु जस्ट टीच दिस टू स्कूल चिल्ड्रन एंड इट हेल्प्स टू क्रिएट द मेंटल फोकस, इसके साथ फोकस एकदम हो जाता है। तो कान और एनर्जी में बहुत फर्क है क्योंकि कान की बहुत गुण है कि बहुत सारे आवाज आजू बाजू है पर आपको क्या सुनाई पड़ता है, बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं हमको क्या दिखता है ना, तो उसके अनुसार उसके परिणाम भी बदलते हैं। तो अभी मेरे कान तो बहुत अच्छे नाइस गर्म हो गए हैं, तो अभी इसको अभी ऐसे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई दर्द है या डिस्कम्फर्ट है, तो ये मैंने इसको बोलते हैं कपिंग, तो ये कपिंग करवाया और मैं इसको ऊपर नीचे करूँगा जोर से, बिल्कुल समझ लीजिए वो टूट कर नहीं आएगा हाथ में सो इसको रगड़ना है जैसे आप आटा बना रहे हो तो बिल्कुल दोनों हाथ से कप करके, ब्यूटीफुल, एंड चीन को लाके छोड़ दिया। तो अभी आप बताइए कि जब हमने शुरू किया था और अभी इसमें क्या फर्क लगता है? बहुत लाइट लग रहा है काम भी। इम्प्रूवमेंट स्टेप बाय स्टेप बढ़ी रही है ना, एनर्जी लेवल बढ़ी रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत अच्छा। सो नाउ तो आपने जो डायरेक्शन बताई तो वो लिम्फेटिक ड्रेनेज की भी यही डायरेक्शन, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी वही ढंग से होता है दीदी बता रही है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जब करते हैं तो उसको प्रेशर लगता है, उसमें दूसरी एक टेक्निक होती है उसको बोलते हैं ट्रिगर पॉइंट होता है, बट मर्मा में कभी कभी हम उसको टच भी नहीं करते हैं कि अगर आप किसी को करना चाहो तो आप बैठी हो और मैंने अगर हाथ सिर्फ यहाँ रख दिया और या मैंने हाथ यहाँ रख दिया ऊपर, मैंने टच भी नहीं किया तो भी उसका असर होता है, क्योंकि अगर कोई मैंने ऐसे फिंगर रखा और वो निकाल भी दिया तो मुझे उसकी मेमोरी रहती है ना, अगर पीछे से कोई मेरे तरफ देख रहा है मुझे पता नहीं है फिर भी हम सडनली देखते हैं कौन है ना, तो हमको ये इंट्यूटिव एबिलिटी है, तो ये सब एबिलिटीज इसमें बहुत जाग जाती है क्योंकि मर्मा है इसमें लाइक सब मेडिटेशन लाइक थिंग कि पूरा कॉन्शियसनेस हमारे टच मूवमेंट टेम्परेचर पंचतत्व के साथ मिला हुआ है कि दूसरा कुछ नहीं, हम पूरे एक दुनिया में चले गए कि जहाँ पर बिल्कुल खुशी है और मोर एंड मोर एनर्जी विल कम आउट। सो अभी हम गाल को है चिक्स जिसको बोलते हैं इसको पाउडर लगाएं, ये जो इंडिया में पफ होता है ना लोग यूज करते हैं पाउडर लगाना है तो इसको, तो यहाँ पफ नहीं है तो इसको हाथ से पाउडर लगाओ, और आपको तो पता है बहुत पाउडर लगी तो भी गड़बड़ है, कम हुई तो बार बार लगाना पड़ता है, तो आराम से 3 से 5 बार इसको करो। और ये जब हम करेंगे जब हम नीचे जाएंगे तो हाथ को आँख से हल्का ऊपर से फेदर टच करो,
एंड मेरी आंखें जल रही है गर्म अगेन. सो दैट्स अ टिपिकल पित्ता नेचर. तो उसमें पित्ता के भी पांच प्रकार होते हैं. उसमें होता है रंजक पित्ता, वो खून के साथ चलता है. साधक पित्ता होता है, वो स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ चलता है. पाचक पित्ता होता है, वो डाइजेस्टिव के साथ चलता है. आलोचक पित्ता होता है, वो एक्चुअली एजिंग के साथ चलता है. सो ये हम कर रहे हैं, इट एक्चुअली प्रिवेंट्स एजिंग. डज दैट मेक सेंस? कि हमारा पैर, हमारा फुट और आंख एजिंग के साथ जुड़ी हुई है. तो पैर को हम बताते हैं कि जो पैर को है हम लोग कभी नहीं देखते. इंडिया में कैसे होता था, जब भी हम बाहर से आएंगे तो हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे अंदर घर में जाने से पहले, जूते उतारने के बाद होता था ना. तो वो अभी बंद हुआ है, तो उसको बोलते थे हाफ बाथिंग. पूरा शरीर को नहीं नहाए, पर जो शरीर से एक्सपोज जो पार्ट हुए, हाथ और पैर, उसको साफ किया. चेहरा जो फेस है उसको भी साफ किया. तो और दो बार हम इसको करेंगे, पाउडर लगाएंगे, तो ये आँख को भी हल्का सा टोन अप करेंगे. तो इसको आप क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज करो, ये हुआ. तो अभी जो है ये हाथ को कप करके हम इसको कवर करेंगे जैसे, और इसमें बिल्कुल अंदर लाइट नहीं आनी चाहिए, पूरा अंधेरा हो और आंख खोले और बंद करना पॉसिबल हो, तो ऐसे कप करना है. तो इसको मैंने रखा है, तो अभी मैं सांस लूंगा और आंखें मैंने खोल दिया अंधेरे में, मुझे तो कुछ नहीं, पूरा अंधेरा है. और मैं थोड़े देर रुकूंगा और मैं सांस छोड़ूंगा, आंख बंद करूंगा सांस के साथ और एक पॉज करूंगा. तो ये पॉज ही रिलैक्सेशन शुरू करता है, ये स्विच है शांति का. हम इसको मेडिसिन में शांति स्विच बोलते हैं. सो ब्रीद इन, सांस लीजिए, आंखें खोलिए, बट बिल्कुल लाइट ना हो क्रैक्स में. सांस को रोकिए जितना हो सकता है, जब नहीं रोक पाते हैं आग बंद करिए, सांस को छोड़ दीजिए और पॉज करिए. अगेन शांति स्विच हो गया. अगेन हम सांस लेंगे, आंखें खोलेंगे और इसको बंद करेंगे और सांस छोड़ देंगे. एंड बहुत धीरे से, हल्का जैसे फेदर टच किया था, पूरे फेस से चिन तक हम पाम को लाएंगे, आंखें बंद ही रहेगी, और एक बार जेंटली पाम को रब करके वापस हम चेहरे से नीचे लाएंगे, चिन तक लाएंगे और देन स्लोली ओपन द आईज. तो आप बताइए अभी कैसे लग रहा है. सब कोई बोल भी नहीं पा रहा है ना. एकदम रिफ्रेश, एकदम रिफ्रेश. तो थोड़ा बचा होगा नेक के ऊपर, तो इसको नेक को जो है राइट हैंड को लेफ्ट गर्दन पर लेना है और इसको खींचना है हमारी तरफ. लेफ्ट को लेना है, राइट को खींचना है, ऐसे तीन बार. भी चला गया, चला गया ना. हाँ, बिल्कुल पैर से, और गर्दन को भी बोलो, गर्दन आई लव यू, सॉरी आई हैवंट सीन यू फॉर अ व्हाइल. तो गर्दन भी बोल रही है. हाँ, बहुत अच्छा है, लग रहा है सबको, हल्का हो गया. तो अभी हम इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, और गर्दन को बोलेंगे सॉरी बहुत दिन से नहीं मिला, तो उसको बहुत अच्छा हक करो, इसको दबाओ. अच्छा, और अभी माथे के पीछे से जाओ, दबाते रहना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है दबाना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है दबाना है, सांस छोड़ना है, जहां तक हम आएंगे. जैसे हम आगे आए वैसे ही हम पीछे जाएंगे. ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट.
ब्रीद इन ब्रीद आउट. अब ये ब्रेन जो होता है, स्कल होता है, खोपड़ी, उसमें भी जॉइंट होते हैं, उसको बोलते हैं सूचर्स. तो जब बच्चे होते हैं तो उनकी स्कल ओपन होती है, पर हम हमारे एज में भी देर इज लिटल स्पेस, इतनी ज्यादा नहीं होती, पर जब हम ये करते हैं तो वो सूचर्स थोड़े हिलते हैं. तो उतना करेंगे तो ये जो बोन होते हैं 22-23 डिफरेंट कनेक्शंस, वो सब अपने आप टोन अप हो जाते हैं. नॉर्मली वो नहीं होता. जब टेंशन आ जाती है तो वो टेंशन इसको बहुत टाइट कर देती है. तो इसके साथ अगर मैंने कुछ भी नहीं किया, अगर ऐसे ही हम बैठेंगे, अगर हम बहुत हैप्पी है तो हम कैसे बैठते हैं? अभी मैं नायगारा फॉल्स देख रहा हूँ. हाँ बहुत मजा आ रहा है ना? होता है कि नहीं होता? सो दैट्स अ नेचुरल एक्सप्रेशन. अभी मुझे हेडेक हो रहा है तो क्या हुआ? वो सर में दर्द है, होता है कि नहीं? वो भी मर्मा ही है. हम कर रहे हैं मर्मा, पर हमको पता नहीं है कि ये मर्मा है ना? तो नेचुरली हमको ये है. तब नीचे जाएंगे, बहुत अच्छा. और जहां भी अगर किसी को ज्यादा होगा तो वो है, उसको वापस कर लीजिए थोड़ा. ब्यूटीफुल. हाँ जी पूछिए हेमा. सो नाउ ये हो गया, इसको हाथ को रब करे तो मेरा पूरा तेल चला गया ड्राई. और पर ड्राई ऐसे नहीं है कि अभी भी मैं खींचू तो मेरा हाथ आराम से जा रहा है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है. पर अगर मैंने अभी टेबल पे लगाया तो तेल नहीं लग रहा है, ठीक है? दैट मीन्स मेरी स्किन अभी लुब्रिकेट हो गई, पूरी नरिश हो गई, क्योंकि जो तेल मैंने लगाया ऑलमोस्ट क्वार्टर कप से ऊपर वो सब पी लिया इसमें, ठीक है? तो ये बात हुई अभी हेड की. तो इसमें ये हमने इतना काम किया, अभी शोल्डर भी बता रही है कि मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, तो इसको भी नेक को थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे. तो हम बोलते हैं ना शाबाश शाबाश शाबाश, तो इसको बताओ. और ये 9 बार करना है. बिल्कुल अच्छा. तो अभी बताइए, अभी तो मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया, अपर बॉडी सही है. सही बोल, बिल्कुल अच्छा. अच्छा हेमा जी. हेमा जी बात करना चाहती है. हेमा जी आप अनम्यूट करके पूछिए जो भी आपको पूछना है. तब तक आप तेल लीजिए और हाथ में 10 ड्रॉप. अभी हम पैर की तरफ जाएंगे. ओम शांत भाई जी. मेरी नेक अभी भी स्टिफ है. नेक अभी भी स्टिफ है. हाँ तो जिनकी नेक अभी भी स्टिफ है या जिनको नोन प्रॉब्लम है नेक में, वो थोड़ा और ज्यादा करें, उसमें कोई फर्क नहीं. समटाइम इसमें जैसे तेल होते हैं कि नारायण तेल है, महानारायण तेल है, तो वो तेल भी आप यूज करो ये तिल के साथ, तो आपको और ज्यादा असर होगा क्योंकि वो थेरापिटिक तेल होते हैं. तो अभी मैंने यहाँ एक कुशन रखा है, तो आई एम गोइंग टू डू लिटल योगा. That means I'm going to sit on the cushion and try to show you my foot. So let's see. Yeah, abhi dikhega, hai na? The toes dikh rahe hain. Abhi koi koi logo ko to apna pair dekhe ye hoga ki maine to kitne saalon se pair ko nahi dekha. To Ayurveda mein bolte hain ki chehra agar hum 100 baar dekhte hain to isko at least एक बार तो पैर को देखो. तो इसमें जैसे हाथ का किया था वैसे भी पैर का करना है, पर पहले ये जो पैर में सेंटर में ये पॉइंट है, ये जो सेंटर में पॉइंट है, तो इसको एक्चुअली हाँ, तो इसको हम लगाएंगे हाथ, इसको जस्ट फील करना है जैसे हमने हाथ में किया था. तो यहाँ भी गर्म है और टाइट भी है, तो इसमें मैं इसको थोड़ा लूज कर दूंगा
और जो है इसको जस्ट साइड से मैं ऊपर आया, साइड से मैं ऊपर आया, सो साइड से ऊपर आया और ये जो है नीचे एंकल की तरफ। तो यहाँ ये दो पॉइंट बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जैसे मैंने इसको दबाया ये पेनफुल है, तो अभी उसके कारण क्या है वो सब हम बाद में बात करेंगे। और ये जो है टेंडो एक्लिस जो पैर का पीछे का मसल होता है उसको हम करेंगे। और जस्ट इसको पैर को जस्ट ऊपर नीचे करना है, बाकी कुछ नहीं, जस्ट ऊपर जाना है नीचे आना है, ऊपर जाना है नीचे आना है, बस। अभी जो है मैंने मेरी ये उंगली को लिया, इंडेक्स फिंगर, और ये मेरी जो पिंकी टो है और उसका है, उसको मैंने ऐसे पकड़ा और इसको जस्ट मेरे उंगली को आगे पीछे घुमाया, इसको पकड़ा, जस्ट उंगली को आगे पीछे घुमाया, फिर इसको पकड़ा, इसको आगे पीछे घुमाया, इसको पकड़ा, इसको आगे पीछे घुमाया। तो अभी सेम जैसे हमने किया था, ऊपर से और साइड से, ऊपर से और साइड से, ऊपर से और साइड से, सो ऊपर से और साइड से, हर एक टो को करना है ऊपर से साइड से तीन बार, ऊपर से और साइड से, ऊपर से और साइड से, मिडल वाला टो ऊपर से साइड से, ऊपर से साइड से, ऊपर से और 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 साइड से। अभी थंब जो ग्रेट टो है उसको ऊपर से साइड से, ऊपर से और साइड से। और अभी जस्ट इसको ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला है, तो ऊपर वाले पार्ट को आगे आगे की तरफ, अवे फ्रॉम द हार्ट, इसको करेंगे। जस्ट हल्का सा। और ये साइड में इसको, ये जो साइड है इसको हम हाथ से ऊपर नीचे करेंगे। अभी बहुत ही मेरे पैर से निकल रही है, तो अभी यही बात हम दूसरे पैर को करेंगे। तो वापस तेल लेना है, अभी हाथ को तो इतना कोई जरूरी नहीं, एकदम चिकने हो गए हैं, तो आराम से होता है। और इसको दूसरे पैर को मैंने पहले तेल लगाना है। अब थोड़ा पेस थोड़ा फास्ट जा रहे हैं जितना नॉर्मल होता है, क्योंकि समय में हम पूरा खत्म करें, और बाद में थोड़ा आपको कोई क्वेश्चन होगा तो उसके लिए भी समय रहे। कभी ये लेफ्ट साइड पे मैं ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, तो पहले आप इसका जो सेंटर है उसमें पहले एनर्जी फील करो। सो सेम आई फील द वॉर्म्थ, एंड सो दैट मीन्स बोथ साइड्स आर मैचिंग, एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट गो अलोंग द फुट लाइक दिस ऑल द वे डाउन, एंड देन आई एम गोइंग टू गो टू द एंकल, एंड देन उसको भी ठीक करूँ, एंड देन एनी वेयर देर इज पेन या thing which is not resolved, you just need to do more, and if you do it couple of times to apne aap wo sab chala jata hai. Aur phir abhi jo hai maine pinky toe ko upar se side se, upar se side se, upar se side se, abhi next to the pinky toe upar se side se. Now kisi ne toe ring pehni hogi to usko bhi aap nikal ke kar sakte ho. अभी मिडल वाली है तो ऊपर से साइड से, ऊपर से साइड से, ब्यूटीफुल, सेम वे हियर, ऊपर से साइड से,
ऊपर से साइड से, ऊपर से साइड से, और द कितनी बार करना है, एक एक बार करना है? तीन तीन बार करो, ऊपर से तीन बार, साइड से तीन बार। और ये हमने किया था, इसको उंगली से दो उंगलियां पकड़ के बीच में एक उंगली से जस्ट फ्रिक्शन करो तो एकदम, और डोंट बी सरप्राइज कि बहुत पेनफुल है करने से, तो ठीक है, आइडियली वो पेन वहां नहीं होना चाहिए। और अगर पेन है तो, तो पेन है तो दैट सिग्निफाइज कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर हम चार्ट के साथ वो डेटा ये करते हैं कि डिकोड करते हैं कि क्यों है पेन, सो नॉर्मल में नहीं होना चाहिए। तो ये बात हुई, तो ये पैर का अभी हो गया, तो दोनों पैर को एक साथ अभी आप पूरा मालिश करिए। तो मेरे साइड में पैर के ऊपर ड्राइनेस ज्यादा है, तो उसको थोड़ा मैं और नरिश कर दूंगा। तो ये पैर का हुआ, तो अभी आप बताइए कि कैसे लगता है। अभी ऑलमोस्ट एक घंटा हम कर रहे हैं, तो समय तो कैसे गया तो पता ही नहीं चला। तो इसमें से अभी आप बताइए कि आपको क्या क्या लगता है, क्या फायदा हुआ, और अभी आपको ओवरऑल कैसे लगता है। फिर थोड़ा मैं हेड का भी बता दूंगा, दो तीन टेक्निक। तो एक तो होता है कॉम्बिंग करना है, कॉम्ब, जैसे कंघी से लेके, ये तो कंघी नहीं है पर हाथ की कंघी तेल के साथ। दूसरी होती है फ्लैट पाम, जैसे हमने किया था। तीसरा होता है फ्लैट पाम को लेके ऐसे करना, वो बोलते हैं ना चम्पी, लाइक चम्पी करना है, तो उंगली से तबला बजाओ इस पर, हेड के ऊपर। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स। अभी तेल भी नहीं है तो करके देखिए तीन चार। पहली है कंघी, तो कंघी करो, जोर से करो, कंघी हम थोड़ी हल्की करते हैं, तो जोर से करो उसको, बाल को बिल्कुल संवारो, ठीक कर लो। फिर अभी जो है कि फ्लैट पाम लिया और उससे मसाज करो दोनों साइड से, इक्वल करो तो और हो जाता है। और फिर तीसरा वाला कौन सा था, या इसको जस्ट हल्का ये करो उंगलियों के साथ सब जगह। और जो और एक स्ट्रोक है, बिल्कुल फीदर लाइट टच करो, जैसे बिल्कुल टच किया कि नहीं किया, एकदम हल्का सा, बिल्कुल हाथ लगा कि नहीं लगा ऐसे, और वो सबसे इफेक्टिव है। तो अभी हम अभ्यंगा की प्रैक्टिस को क्लोजर में लाएंगे, तो इसके लिए हम रबिंग द पाम्स करेंगे। और हम इतना देर बैठे हैं तो थोड़ी एनर्जी को बढ़ाएंगे, एनर्जाइज करेंगे। तो तीन बार राइट साइड हम एप्पल को कैच करेंगे, हमारी बास्केट में डालेंगे, ओनली तीन बार। सो एक दो तीन, तो राइट साइड से हो गया। अभी लेफ्ट हाथ बता रहा है कि तुमने राइट से ले लिया, मेरे को भी खिलाओ, तो उसको भी तीन खिला देते, एक दो एंड देन तीन। नाउ वो दोनों ने खाया तो बोला कि बहुत अच्छे थे एप्पल, तो बहुत मीठे थे, तो और दो, तो नौ देंगे बस, है ना। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और बस रेस्ट, एंड देन फॉर अ मोमेंट क्लोज योर आइज। एंड फिर ये जो अनुभव है, ये अनुभव हमको सिद्ध करेंगे, इसको एस्टेब्लिश करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो जैसे हम बैठे हैं
तो जैसे हम बैठे हैं तो लेफ्ट पाम को हम चेस्ट पर लेंगे, वो भी एक मर्मा की पॉइंट है, और राइट हैंड को हम बेली पर रखेंगे बस। और इसमें जो है एक्शन एंड रेस्ट मैकेनिज्म, तो चेस्ट तो नहीं हिल रही है बट बेली तो हिल रही है, तो वही हमने देखना है कुछ I muted her, so who said her? So let's go close kar do. And just feel the peace, shanti. फिर सोचो कि जब हमने ये सब करवाया तो मेरे तो अभी हाथ पैर हेड सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है, कि जैसे बहुत एनर्जी मेरे शरीर में है, मन में फुर्ती है, मन में शांति है, मन में स्टिलनेस भी है, स्थैर्य भी है, और मुझे तो अभी लग रहा है कि जैसे मैं अभी उठा हूँ सुबह, अभी पूरा काम कर सकता हूँ, थकान का तो महसूस ही नहीं, और सब लोगों की शांति हमको साथ साथ लगती है क्योंकि हमने साथ में किया। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो एक करेंगे तो एक के अलावा सौ लोग करेंगे, तो उसका पावर बहुत ज्यादा होता है, उसकी शक्ति बहुत होती है। तो और एक 15 सेकंड हम करेंगे और फिर स्लोली सांस लेंगे, एंड वापस पाम को हम रब करेंगे, एंड देन सेम वे बहुत जेंटली इसको हम नीचे लाएंगे। हल्का सा ऑल द वे हम टोज तक जाएंगे जहां तक हमने किया था, और एक बार करेंगे एंड देन स्लोली टच इट एंड देन स्लोली ब्रिंग इट डाउन एंड देन ऑल द वे टू द टोज। ब्यूटिफुल। And then slowly you can open your eyes. So that brings us to the new beginning of yourself. And thank you for participating so wonderfully. And now you know it's not very difficult. बहुत आसान है और कोई भी कर सकता है, और अब भूलोगे तो उसके लिए हम रिसोर्स आपको देंगे कि आप कर सकते हो।